गुड मॉर्निंग 10th क्लास। हम पढ़े थे राष्ट्रवाद के बारे में, तो आज इसी में हम थोड़ा सा प्रेजेंटेशन के थ्रू यानी कि शॉर्ट शॉर्ट पॉइंट के थ्रू समझेंगे कि हमने क्या पढ़ा है, ठीक है, ताकि हमारे माइंड में बहुत अच्छे से ये आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो राष्ट्रवाद क्या है, ठीक है, ये मैं बहुत बार बता चुकी हूँ कि राष्ट्रवाद क्या है। वह भावना है जो एक दूसरे को बांधे रखती है, ठीक है, तथा अपने जो देश के प्रति समर्पण है उस भाव को हम राष्ट्रवादिता कहते हैं। भारत का राष्ट्रवाद हो चाहे किसी भी देश का राष्ट्रवाद हो, राष्ट्रवाद यही होता है कि जब हम अपने देश के प्रति क्या हो जाते हैं, पूरा समर्पित हो जाते हैं, ठीक है। तो इस भावना को क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं। आगे बात समझ में। फिर देखिए, जो एक महत्वपूर्ण पॉइंट बनता है इस चैप्टर से आपके एग्ज़ाम्स के लिए भी और नॉलेज के लिए भी, तो राष्ट्र भारत को जो ये राष्ट्रवादिता है, आज़ादी है, इन सब को दिलाने में बहुत सारे लोगों ने अपना योगदान दिया। इसमें जो हम सामान्य रूप से सबसे ज़्यादा नाम सुनते हैं वो सुनते हैं गांधी जी द्वारा, क्योंकि इन्होंने क्या किया, बहुत सारे ऐसे आंदोलन करे जो साथ ही साथ सफल होते रहे और इनके ही प्रभाव से और लोगों को भी इस राष्ट्रवादिता की भावना का पता लगा, ठीक है। बात करते हैं सबसे पहले इनके आंदोलन की, जो है चंपारण सत्याग्रह, ठीक है। तो ये जो था, ये पूरा आंदोलन था नील की खेती के विरोध, ठीक है, क्योंकि इस समय ये नहीं चाहते थे कि भारत में नील की खेती हो और सभी लोग इसका, जो ब्रिटिश हैं, इसका व्यापार बाहर करें। तो इस वजह से गांधी जी ने ये चंपारण सत्याग्रह छेड़ा, जिसमें इन्होंने कहा कि नील की खेती भारत में नहीं होगी, ठीक है। इसके इनमें इस आंदोलन में इनका साथ दिया महादेव देसाई जी ने, राजेंद्र प्रसाद जी ने, और यह सभी इस आंदोलन को सफल बनाने में सहायक थे। भारत में इनकी पहली सफलता थी, ठीक है, क्योंकि इन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया और इसके बाद जो ये चाहते थे वो इन्हें मिल गया। तो जो ये इनकी पहली सफलता थी, इसी को देखते हुए जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं, उन्होंने इनको महात्मा की उपाधि दी थी। ध्यान रखिएगा शॉर्ट पॉइंट बनाते समय भी, जो चंपारण सत्याग्रह है, इसी को जब ये सक्सेसफुल हुआ, जब ये सफल हुआ, तो उसी समय रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे उन्होंने इन्हें क्या दी, महात्मा की उपाधि दी, ठीक। दूसरा आंदोलन आता है अहमदाबाद आंदोलन 1918 में। ये प्लेग भी उन्हें इसको लेके था, उस समय प्लेग की बीमारी बहुत फैल रही थी, और इसी आंदोलन में, अहमदाबाद आंदोलन 1918 में ही गांधी जी ने पहली बार क्या करी थी, भूख हड़ताल करी थी, ठीक है। यह इस आंदोलन में भी ये क्या हुए थे, सॉरी यहाँ पे गलत हो रहा है, इस आंदोलन में भी ये क्या हुए थे, सफल हुए थे, ठीक है, ये टाइपिंग की मिस्टेक है। तो यहाँ पर ये क्या हुए थे, सफल हुए थे, ठीक है। अब इसके बाद आ जाता है खेड़ा आंदोलन, गुजरात में 1918 में हुआ। यहाँ पर भी क्या हुआ, खेड़ा जगह पर, कि अकाल की ऐसी स्थिति थी कि सभी फसलें जो किसानों की थी वो नष्ट हो गई थी। पर अब फसलें नष्ट हो गई हैं तो जो किसान है वो टैक्स कहाँ से दे, फसल होती उसे बेचता तब जाके वो टैक्स पे करता, पर अकाल की स्थिति थी और सारे कर्ज जो थे वो किसानों के ऊपर चढ़े हुए थे। तो इन्हीं के विरोध में, यानी कि कर्ज माफ़ करने के लिए जो ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध खड़े हुए वो थे, उसमें उन्होंने आंदोलन किया, खेड़ा आंदोलन। और भारत में है उनकी कौन सी सफलता थी, तीसरी सफलता थी, ठीक है। अगर आप पूरा इतिहास पकड़ के देखें तो 1947 तक, ठीक है, 1947 तक यह पूरा जो युग रहा वो गांधी युग के नाम से जाना जाता था, क्योंकि इसी समय गांधी जी ने अनेकों प्रयास करे जिसके तहत देश जो है वो इन सारी चीज़ों से छूट सके, ठीक है। तो इसी वजह से जो 1919 से 1947 तक का समय आता है, इसको आप गांधी युग के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इसके बाद हमने चैप्टर में पढ़ा था असहयोग आंदोलन था 1920 का। यहाँ पर उन्होंने कहा कि हम ब्रिटिश सरकार से क्या करेंगे, अपना सहयोग छीन लेंगे, यानी कि अब ब्रिटिश सरकार का जो भी काम होगा उसमें कोई भी भारतीय काम नहीं करेगा, यानी कि अपना जो सहयोग है उसको हम पूरी तरीके से छीन लेंगे इनसे। तो इस प्रकार से क्या होगा, ब्रिटिशर्स जो हैं वो कमज़ोर पड़ जाएंगे और यहाँ से जाने के लिए और उनकी मांगों को मानने के लिए वो क्या हो जाएंगे, बाध्य हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर इनका क्या उद्देश्य था कि सरकारी मशीनों को ठप कर देंगे, वकील अपनी वकालत छोड़ देंगे, सरकारी नौकरियों का त्याग कर दिया जाएगा, उस सब उपाधियों का त्याग कर दिया जाएगा जो उस समय पर दी गई थी, और कुछ अन्य रचनात्मक कार्य भी थे। जैसे इसी समय उन्होंने महिलाओं को क्या किया, आंदोलन में आने की अनुमति दे दी थी, उनकी भागीदारी जो थी वो बढ़ा दी थी।
दूसरी चीज़ हिंदू और मुस्लिम के बीच एकता का भाव है वो उन्होंने जागृत किया। तो ऐसे करके असहयोग आंदोलन बहुत सक्सेसफुल आंदोलन रहा, पर 1922 में जब चोरा चोरी कांड हुआ उसके बाद इन्होंने ये आंदोलन अपना वापस ले लिया, क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि कोई भी आंदोलन इनका हिंसा का रूप ले। आगे बात समझ में। अब देखिए, इसके बाद 1919 में आपको पता है मैंने बुक में पढ़ाया था कि रूलर एक्ट आया था, जहाँ पर किसी भी को भी कोई भी राजनीतिक गतिविधि करने का अधिकार नहीं था। तो उसी एक्ट की समीक्षा के लिए 10 साल बाद क्या बनी, ये कमीशन कमेटी बनी जिसकी अध्यक्षता साइमन कमीशन ने की। अब ये जो कमेटी थी उसमें 7 मेंबर थे और ये सारे के सारे ब्रिटिशर्स थे। ठीक है, ये सारे हैं, ये कौन हैं, ब्रिटिशर्स हैं यानी कि अंग्रेज़ हैं, और इसमें कोई भी भारतीय नहीं है। तो इस वजह से इंडियंस ने इसका विरोध किया और जो साइमन था वो जहाँ पे भी गया वहाँ पर गो बैक साइमन के नारे लगाए। ठीक है, साइमन तुम वापस जाओ, इस टाइप के नारे लगाए थे क्योंकि इस कमेटी का पूरा तरीके से विरोध हो रहा था। और बात भी सही थी, क्योंकि अगर एक कमेटी है वहाँ पर सब ब्रिटिशर्स ही हैं तो भारत अपना पक्ष किस हद तक रखेगा, कहाँ पर कौन भारत को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस चीज़ को ही ध्यान में रखते हुए साइमन कमीशन जो इसका विद्रोह हुआ, ठीक है, और साइमन कमीशन को यहाँ आने की मनाही दे दी गई। तो इस फिर इसमें सहयोग सिफारिश हुई सहयोग से, ठीक है, इस कमेटी की। फिर क्या हुआ, इसी की सिफारिश के लिए या इसी में बाहुबलचाल के लिए राउंड कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहते हैं, गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, गोलमेज सम्मेलन का अर्थ वही है कि गोल टेबल के बीच में जैसे चारों तरफ से लोग बैठ जाते थे और इसी सम्मेलन को कहा जाता था गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, यहाँ पर गांधी जी पहले से ही नाराज़ थे क्योंकि उन्हें साइमन कमीशन कमेटी बैठी थी जहाँ पर कोई भी भारतीय नहीं था। तो ये जो पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ इसमें गांधी जी या कांग्रेस की तरफ से कोई भी नहीं गए। ठीक है, इससे पहले क्योंकि वृंद के साथ जो उस समय के अध्यक्ष थे उनकी समझौता हुआ था, उसमें 11 मांगे रखी गई थी। पहले उन्होंने कहा था कुछ महत्वपूर्ण जो मांगे हैं वही मैंने आपको यहाँ पे दिखाई हैं, कि जो नमक टैक्स है वो बंद होना चाहिए, अधिकारियों के वेतन में कटौती होनी चाहिए, सेना में ब्रिटिश सरकार जितना खर्च कर रही है तो उसमें 50% तक कटौती होनी चाहिए, विदेशी वस्तुओं की दुकानों पर भी धरना के देने का अधिकार रहना चाहिए। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों से गोलमेज सम्मेलन में जो बात कही गई, पहले गोलमेज सम्मेलन में वो नहीं गए थे। ठीक है, तो ये मांगे रखी गई थी, पर इवरिन जो था उन्होंने इस पे ध्यान नहीं दिया इन शर्तों पर, और इसी वजह से सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ना पड़ा था। ठीक है, अब देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था, मैं क्या हुआ, गांधी जी ने क्या किया, दांडी मार्च शुरू करी। आपको याद होगा कि पैदल यात्रा शुरू करी थी काफ़ी लंबे मील तक, लंबे मील तक। इसमें क्या हुआ, 12 मार्च 1930 को सविनय अवज्ञा में 12 मार्च को 1930 को इन्होंने क्या किया, साबरमती आश्रम से चल के 5 अप्रैल को गुजरात पहुंचे। ठीक है, मार्च से अप्रैल आप हिसाब लगा लीजिए कि कितनी बड़ी मीलों की यात्रा इन्होंने करी, और गुजरात के नासौर डिस्ट्रिक्ट में पहुंचे। यहाँ पर इन्होंने क्या किया, नमक को गैरकानूनी रूप से बनाया। ठीक है, यानी कि खुद ही समुद्र का पानी सुखा कर नमक तैयार किया ताकि सरकार से इन्हें लेना ना पड़े। तो इस काम के लिए इन्हें जेल भी भेज दिया गया, और यही थी सविनय अवज्ञा यानी कि ब्रिटिशर्स की अवज्ञा की अवहेलना करना। आ गई बात समझ में। तो इस तरीके से ये जो आंदोलन था वो हुआ। पहले गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो इसमें 1930 में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, जो भी इसका निर्णय हुआ उसमें कांग्रेस ने उसका विरोध किया, और तब जाके इन्होंने गांधी जी को क्या किया, रिहा कर दिया। अभी जेल में डाल दिया था ना, कहाँ पर, सविनय अवज्ञा में, क्योंकि उन्होंने नमक कानून तोड़ा था। तो फिर गोलमेज सम्मेलन में बुलाया गया जब, तो उन्होंने क्या किया, इसका पूरा विरोध किया, और फिर गांधी जी को क्या कर दिया गया, रिहा कर दिया गया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ, इसमें कांग्रेस ने फिर भाग लिया, और प्रतिनिधि रहे गांधी जी, महिला प्रतिनिधि रही सरोजिनी नायडू जी। ठीक है, और प्रतिनिधि के रूप में मदन मोहन मालवीय जी गए, और जो भी निर्णय लेने चाहिए थे वो उन्होंने वहाँ जाके लिए। ठीक है, तो इतना आप अच्छे से समझ गए होंगे, आप जितना मैं जब समझती हूँ, तो अच्छे से इनकी नोट्स तो बना ही रखे होंगे आपने। एक बार इस वीडियो को अच्छे से सुन लीजिए ताकि ये जो सारे आंदोलन हैं कब कैसे हुआ, सीक्वेंस वाइज आपको समझ में आ जाए। ठीक है।